अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के महापौर श्री आदेश कुमार गुप्ता जी, लोकसभा सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रमुख पदाधिकारीगण, विदेशों से पधारे आर्य सभाओं के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जन, यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों में आर्य समाज के आदर्शों और महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति समर्पण, श्रद्धा और उत्साह का भाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 देशों से प्रतिनिधि पधारे हैं। आप लोगों की ऊर्जा और आर्य समाज की सक्रियता को देखकर मुझे श्री अरविंद घोष जी का एक कथन याद आता है। उन्होंने स्वामी दयानंद जी के बारे में कहा था कि स्वामी जी अपने आप में मनुष्यों और संस्थाओं के मूर्तिकार हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। उनकी महर्षि दयानंद जी की क्षमता को देखते हुए ईश्वरचंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन सरीखे समाज सुधारकों ने भी ये स्वीकार किया था कि स्वामी जी को जनता के साथ संवाद करना चाहिए और तभी इस भारत देश की जनता का उद्धार हो सकेगा। आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से आत्मानंद सरस्वती, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे अनेक परोपकारी महापुरुषों ने आर्य समाज के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया। सचमुच ही स्वामी दयानंद जी के आदर्शों की प्रेरणा से करोड़ों मनुष्यों के चरित्र का निर्माण हुआ है। आप सबके साथ महर्षि दयानंद जी के सम्मान में नतमस्तक होता हूँ और उनके कार्य को, उनके आदर्श को जो आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको बधाई और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यहाँ पर मंच पर हमने उनका संदेश मंत्रों के रूप में सुना। ये संदेश हमारी बुद्धि और चेतना को सब प्रकार से शुद्ध करने के लिए है। ये मंत्र धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर पूरी मानवता को प्रकाशित करने के लिए एक आवाहन है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 19वीं सदी में एक ऐसा दौर आया था जब पश्चिमी साम्राज्यवाद अपनी बुलंदी पर था और भारत के लोग अपनी संस्कृति और मान्यताओं को कमजोर समझ रहे थे। अंधविश्वासों और कुरीतियों ने समाज को जकड़ रखा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनर्जागरण और आत्मगौरव का संचार किया। वे सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, विशेषकर अस्पृश्यता निवारण और महिला सशक्तिकरण के ऐसे प्रभावी कदम उठाए जो आज तक भारतीय समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। उन्होंने हमारी आस्थाओं को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ आचार विचार से जुड़ी पद्धतियों को तर्क की कसौटी पर परखने का उपदेश दिया। दयानंद जी की सबसे लोकप्रिय और यह तत्व कानून को गरीबों के लिए अहितकर मानते थे, अधीनता आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार किया था। गांधी जी ने भी
जो स्वामी दयानंद जी की जो परंपरा थी अर्थात उनकी जो लेगेसी थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आर्य समाज के आदर्शों का प्रचार व प्रसार किया था। उन्हें अनेक अवसरों पर कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अनेक स्थानों पर उनके विरुद्ध बल प्रयोग तक करने के लिए असामाजिक तत्वों को इकट्ठा किया जाता था। कई स्थानों पर कानूनी दांवपेच भी लगाए जाते थे। एक बार कहा जाता है कि बनारस में, जो आज वाराणसी है, उसमें कुछ रूढ़िवादियों ने मजिस्ट्रेट के पास जाकर स्वामी जी की जो सभा होनी थी उसमें शांति भंग होने की आशंका के आधार पर उनके भाषणों और उनकी जनसभा पर रोक लगवाने के लिए निवेदन किया और संयोग से वो निवेदन स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन अंत में स्वामी दयानंद के भाषण को देने से रोकने के सरकारी आदेश की कई वहाँ पर उस समय अखबार थे उनमें पायनियर और थियोसॉफिस्ट अखबारों ने इसकी बड़ी कड़ी आलोचना की और इस प्रकार से उस आदेश को उस मजिस्ट्रेट को वापस लेना पड़ा। अंत में स्वामी जी ने जो अपना भाषण सार गर्भित भाषण दिया उससे बहुत लोग प्रभावित हुए और मैं समझता हूँ कि कहा जाता है कि वाराणसी में जो आर्य समाज का प्रभाव पड़ा है उसकी उसी भाषण के दौरान पश्चात ये उसमें न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो आर्य समाज के अनुयायी बन चुके। इस प्रकार अनेकों स्थानों पर स्वामी जी का जी को विरोध का सामना करना पड़ा था लेकिन उनकी तर्क शक्ति और समाज के हर व्यक्ति के कल्याण की उनकी दृष्टि का लोगों पर गहरा असर पड़ा और आर्य समाज की लोकप्रियता और शक्ति बढ़ती गई। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 19वीं सदी में ही स्वामी जी ने यह समझाया था कि स्त्रियों के अधिकार भी पुरुषों के ही समान होने चाहिए। अर्थात आज के युग में जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनके आरक्षण की बात करते हैं, उनको समानता देने उनके अधिकारों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है इस महर्षि दयानंद जी ने जो सोच 19वीं सदी में दी थी उस सोच को अभी हम आगे लोग बढ़ा रहे हैं। अर्थात उन्होंने हम सब लोगों के लिए भारत के कल्याण और भारत को जिसकी बात कही जाती है विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है उसके जो कुछ मंत्र दिए थे वो उस समय उन्होंने दिए थे, उन्हीं मंत्रों को आज हम सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी जी की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना करने के बाद उन्होंने एक साधारण सदस्य के रूप में ही निरंतर कार्य किया और अध्यक्ष पद स्वीकार करने के आग्रहों को नहीं माना। और मुझे लगता है कि ये उन्होंने जो परंपरा डाली थी वो परंपरा कितनी सर्वमान्य और एक मर्यादित परंपरा थी। आज तो हम कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं, संस्थाएं होती हैं उनमें हम पदाधिकारी कैसे रहें। ये मुझे लगता है कि शायद हम सब लोगों को उनका जो महर्षि दयानंद जी का था ये हमें उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था उस पर हमें विचार करना होगा। महर्षि जी की प्रामाणिकता सत्यनिष्ठा और आधुनिक सोच के बल पर आर्य समाज के आंदोलन ने बहुत जोर पकड़ा और उत्तर भारत में तेजी से एक के बाद एक सैकड़ों हजारों आर्य समाज केंद्रों की स्थापना होती गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का चिंतन और उनका सक्रिय योगदान भारत की परंपरा के प्रति गौरव की भावना पर आधारित है। उन्होंने भारतीय चिंतन की शक्ति को पहचाना और उसे व्यवहार जगत में प्रसारित किया। उनकी इसी विशेषता को व्यक्त करते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, उस महागुरु दयानंद को जिसकी दिव्य दृष्टि ने भारत की आत्मगाथा में, सत्य गाथा में सत्य और एकता का बीज देखा। बहुत बड़ी बात थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कही थी। मुझे ये जानकर आज प्रसन्नता हुई कि आर्य समाज के आदर्शों और क्रियाकलापों को आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाए रखने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में अंधविश्वास निवारण, आधुनिकीकरण, भविष्य की चुनौतियों और जरूरतों, नारी सशक्तिकरण, आदिवासियों के कल्याण,
तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुझे आशा है कि इसके साथ साथ ही सौर ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों के प्रयोग के लिए भी आर्य समाज प्रयास करेगा और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण को अपना योगदान देता रहेगा। समाज में आधुनिक विचारों को शक्ति प्रदान करना, महिलाओं को समुचित स्थान व शक्ति प्रदान करना, प्रगति का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना, घरों गांव शहरों की स्वच्छता सुनिश्चित करना, स्वामी दयानंद सरस्वती का चिंतन और उनका सक्रिय योगदान भारत की परंपरा के प्रति गौरव की भावना पर आधारित है। उन्होंने भारतीय चिंतन की शक्ति को पहचाना और उसे व्यवहार जगत में प्रसारित किया। उनकी इसी विशेषता को व्यक्त करते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, उस महागुरु दयानंद को जिसकी दिव्य दृष्टि ने भारत की आत्मगाथा में, सत्य गाथा में सत्य और एकता का बीज देखा। बहुत बड़ी बात थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनके बारे में कही थी। मुझे ये जानकर आज प्रसन्नता हुई कि आर्य समाज के आदर्शों और क्रियाकलापों को आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाए रखने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। मुझे बताया गया कि इस सम्मेलन में अंधविश्वास निवारण, आधुनिकीकरण, भविष्य की चुनौतियों और जरूरतों, नारी सशक्तिकरण, आदिवासियों के कल्याण तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुझे आशा है कि इसके साथ साथ ही सौर ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों के प्रयोग के लिए भी आर्य समाज प्रयास करेगा और इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण को अपना योगदान देता रहेगा। समाज में आधुनिक विचारों को शक्ति प्रदान करना, महिलाओं को समुचित स्थान व शक्ति प्रदान करना, प्रगति का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाना, घरों गांव शहरों की स्वच्छता सुनिश्चित करना, समाज को भी सक्रिय हो। देवियों और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं कि भारत में शरदकालीन उत्सवों का समय प्रारंभ हो गया है। इस समय दिल्ली जैसे शहरों के वातावरण में प्रदूषण की वजह से सांस लेने की दिक्कतें बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक असर पड़ता है। सामाजिक संस्थाओं को लोगों में ये जागरूकता फैलानी होगी कि सभी त्यौहार इस प्रकार मनाए जाएं जिससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और शांति और सौहार्द बना रहे। आर्य समाज जैसे संस्थान इन कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आज आर्य समाज की लगभग 10,000 इकाइयाँ देश विदेश में मानव कल्याण के कार्यों में संलग्न हैं। नैतिकता पर आधारित आधुनिक शिक्षा तथा समाज के प्रत्येक वर्ग के, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आर्य समाज ने अपना प्रभावशाली योगदान दिया है। आर्य समाज ने देश में अनेक विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना की। मुझे भी ये इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे भी आर्य समाज द्वारा कानपुर में स्थापित एक संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। और इसके साथ साथ आर्य समाज से ही प्रेरित होकर मेरे पूर्वज भी आर्य समाज के आंदोलन में सहभागी रहे थे। आर्य समाज ने नारी सशक्ति के हित में देश के विभिन्न हिस्सों में कन्या पाठशालाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की है। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ द्वारा स्कूल तथा कौशल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। इस सेवा आश्रम संघ द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सन 2024 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती है और 2025 में आर्य समाज की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे। आधुनिक परिवेश में स्वामी दयानंद के दिखाए मार्ग पर चलना
और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। स्वामी जी समाज को मत पंथ संप्रदाय और जाति पाति से मुक्त करते हुए मानव मात्र को श्रेष्ठ, मानव मात्र को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाने के लिए आजीवन सक्रिय रहे और सबको प्रेरित करते रहे। इस कार्य को उसकी पूर्णता तक ले जाना हम सबका कर्तव्य है। स्वामी जी शांति पाठ का महत्व समझते थे। सभी जानते हैं उस शांति पाठ में ये प्रार्थना की जाती है कि संपूर्ण विश्व में, जल में, धरती में, आकाश में, अंतरिक्ष में, औषधियों में और वनस्पतियों में शांति बनी रहे। शांति पाठ में निहित यह कामना पर्यावरण संतुलन का आदर्श रूप है। आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के सम्मुख इसी आदर्श को प्राप्त करने के लिए आर्य समाज जैसी संस्थाओं को निरंतर प्रयास करना है। इस प्रकार पर्यावरण के प्रति सजग और मानव कल्याण के प्रति संवेदनशील तथा असमानता और अंधविश्वास से मुक्त समाज की ओर बढ़ते हुए आर्य समाज के सभी सदस्य स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को साकार रूप प्रदान करेंगे।